प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। बाइबल में लिखा है कि प्रभु सुकल हो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु सुकल लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। लेकिन लहू है कहाँ? क्या प्रभु सु किसी को लहू देकर गए? क्या किसी पास्टर के पास वो लहू है? किसी बिशप के पास, पोप के पास क्या प्रभु सु का लहू है? वो लहू हम लाए कहाँ से और हम किस तरह से उनके लहू से शुद्ध हो जाए? क्या हम प्रार्थना करें कि प्रभु सु आपका लहू हमारे ऊपर उंडेल दो तो क्या लहू आ जाएगा? क्या हर रोज़ हम प्रार्थना करें परमेश्वर आज मेरे पाप क्षमा करो, मेरे ऊपर आपका लहू डाल दो तो क्या हर रोज़ प्रभु सु का लहू आता रहेगा? क्या इस तरह से लहू मिल जाएगा? क्या आपको संतुष्टि होती है प्रार्थना करने के बाद कि आपके पाप क्षमा हो गए? ये प्रभु सु का लहू आज 2000 साल के बाद किस तरह से हमारे पापों की क्षमा कर सकता है? क्या है इसके पीछे राज? कहाँ है प्रभु सु का लहू? वो कैसे हमारे ऊपर आ सकता है या नहीं आ सकता, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हाँ, बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और वचन 28। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, अपने चेलों को बिठा कर और दाखरस लेकर उन्होंने ऐसा कहा कि ये मेरा नए नियम का वो पवित्र लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मतलब मेरे लहू से पापों की क्षमा मिलेगी। फिर पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और वचन 7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यहाँ पर भी यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरकर अपनी पत्री में यही बता रहे हैं कि प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हमने दो जगह पर पढ़ा कि प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, पर बात तो यह है कि प्रभु यीशु जब मर गए उन्होंने अपना लहू बहाया, वो घटना काफ़ी पुरानी हो गई और अंदाजे से 2000 साल होने को आए। आज प्रभु यीशु का लहू कहाँ पर है? अगर हम कहीं पर भी ढूंढें तो प्रभु यीशु का लहू हमें कहीं पर दिखाई नहीं देता। जब प्रभु यीशु का लहू नहीं तो हम पापों से शुद्ध कैसे हो सकते? क्योंकि दो बार हमने पढ़ा, वो तो कहते हैं कि मेरा लहू तुम्हें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो जब उनका लहू हमें दिखाई नहीं देता, हमें मिलता नहीं, तो फिर हम पापों से शुद्ध कैसे हो सकते? पापों से शुद्ध होने के लिए प्रभु यीशु का लहू चाहिए, तो फिर हम पापों से आज़ाद कैसे हो सकते जबकि प्रभु यीशु का लहू हमारे पास है ही नहीं? लेकिन पतरस अपने जीवन में जब उन्होंने पहला प्रचार किया था तो उस वक्त उनके प्रचार सुनकर बहुत लोगों ने पतरस से पूछा कि पतरस अब हम क्या करें? क्योंकि पतरस ने ऐसा प्रचार किया था कि देखो आप लोगों ने प्रभु यीशु को मार दिया तो क्या हुआ, आपसे कुछ बना तो नहीं, और इसलिए जब आपसे कुछ बना नहीं तो जब प्रभु यीशु आएंगे तो बोले वो तो बुरे लोगों का न्याय करेंगे, आपने जैसे काम किया है उसका प्रतिफल आपको भुगतना पड़ेगा। तो लोग डर गए, तो डर के मारे आकर पतरस को पूछने लगे, पतरस अब हम क्या करें? और हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 37 और 38 वचन, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। तो यहाँ पर पतरस उनको ऐसा बोला कि देखो मन फिराओ और मन फिराकर तुम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। अभी देखो यूहन्ना ने अपने पत्र में ऐसा बोला कि प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु ने खुद जब वो आखिरी भोजन ले रहे थे और फसह का पर्व मना रहे थे और फसह का मेमना खा रहे थे, उसी दौरान प्रभु यीशु ने उठकर दाखरस का प्याला लेकर यही कहा कि ये मेरा पवित्र लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो प्रभु यीशु ने भी यही बताया कि
कि मेरा लहू तुम्हें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो फिर अगर प्रभु यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है तो पतरस क्यों ऐसा कहते हैं कि पापों की क्षमा के लिए आप बपतिस्मा लो? तो क्या बपतिस्मा से पापों की क्षमा मिलती है या फिर प्रभु यीशु के लहू से पापों की क्षमा मिलती है? दो में से सच कौन सी बात? तो पतरस ने ऐसा क्यों कहा कि बपतिस्मा से पापों की क्षमा, और यूहन्ना ने प्रभु यीशु के लहू की बात की और प्रभु यीशु ने भी अपने लहू की बात की? तो क्या ये दोनों वचन एक दूसरे के विरोध में है? तो एक बात समझ लो, बाइबल कहीं पर भी एक वचन दूसरे वचन के विरोध में नहीं बताता, क्योंकि बाइबल लिखने वाले एक ही है और वो है प्रभु यीशु। ये दोनों वचन सच है। अगर पतरस बोलते हैं कि बपतिस्मा के जरिए पापों की क्षमा मिलेगी तो वो भी सही बोल रहे हैं, यूहन्ना और प्रभु यीशु कह रहे कि प्रभु यीशु के लहू से पापों की क्षमा, तो वो भी सही कह रहे। लेकिन सिर्फ हमें समझना है कि बातें तो दो दो है, तो फिर इसमें से सच किस तरह से? तो जब इंसान बपतिस्मा लेता है और बपतिस्मा का अर्थ होता है पानी में डूबना, और जब वो पानी में डूबकर वो बाहर निकलता है तो मालूम है परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। और हम बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं जो है रोमिया उसका अध्याय 6 और वचन 3। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? तो जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया पानी का बपतिस्मा, उन लोगों ने प्रभु यीशु की मौत का, उनकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा का मतलब होता है डूबना। तो प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा मतलब प्रभु यीशु की मौत में डूबना। तो प्रभु यीशु की मौत में डूबना, तो प्रभु यीशु की मौत कैसे हुई? तो प्रभु यीशु की मौत इस कारण हुई कि उनका सारा लहू बह निकला। और लेवी में ऐसा लिखा है, लेवी 17 और वचन 11, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लोही से ही प्रायश्चित होता है। तो लहू जो है उसी में जान है, लहू में प्राण है हमारा। लहू निकल गया मतलब इंसान मर जाएगा, तो प्रभु यीशु का लहू निकल गया तो प्रभु यीशु मर गए। तो प्रभु यीशु का लहू बहने से उनकी मौत हो गई। और बोले कि जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने उनकी मौत का बपतिस्मा लिया। तो मौत का बपतिस्मा लिया मतलब उन लोगों ने प्रभु यीशु के मौत में डूबे। तो जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा का मतलब डूबना, और मौत का बपतिस्मा मतलब प्रभु यीशु की मौत में डूबना, और प्रभु यीशु की मौत लहू से, लहू के कारण हुई, लहू में प्राण है। तो जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया वो लोग सही में पानी में नहीं डूबे, वो लोग प्रभु यीशु के लहू में डूबे। इसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान वो बपतिस्मा लेता है और बपतिस्मा के पानी में जब वो डूबता है तब वो पानी प्रभु यीशु का लहू उसके लिए बन जाता है। और इसलिए जब यूहन्ना कहते हैं कि प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, वो बात सही है। प्रभु यीशु भी कहते हैं कि मेरे लहू से पापों की क्षमा, तो वो बात भी सही। और पतरस जब कहते हैं कि नहीं बपतिस्मा मत, नहीं का मतलब ये नहीं कि लहू से नहीं, उनके कहने का मतलब ऐसा है कि बपतिस्मा के जरिए पापों की क्षमा मिलती है, तो उनकी बात सही इसलिए है कि जब बपतिस्मा के पानी में कोई डूबता है तब वो पानी पानी कहाँ रहता है? तब वो पानी तो प्रभु यीशु का लहू बन जाता है, और इसलिए प्रभु यीशु के लहू से ही हमारे पापों की क्षमा मिलती है। तो जब हम इंसान सच्चा बपतिस्मा लेते हैं तब वो पानी हमारे लिए प्रभु यीशु का लहू बन जाता है, और वो लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर सकता है। अब देखो लहू जो है वो लहू कैसा है, तो बाइबल में एक वचन मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, और मत्ती उसका 26वां अध्याय और वचन 28। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बहाया जाता मतलब वो लहू कैसा है, वो लहू बह रहा है। इसका मतलब लहू बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। जितने भी लोग बपतिस्मा लेते हैं
तो प्रभु उसके लहू में डूबकर बाहर निकलते हैं, वो लहू तो आगे बह निकलता है, दूसरा इंसान दूसरे लहू में नहाता है, दूसरा लहू मतलब प्रभु सुखा लहू, लेकिन एक लहू तो जो लहू था वो शुद्ध कर वो तो बहते गया दूसरा दूसरे पानी में, तीसरा तीसरे पानी में, मतलब हर बार प्रभु सुखा नया लहू वो लगातार बह रहा है, वो लगातार बह रहा है। तो प्रभु सुखा लहू इस तरह से लोगों को पापों के क्षमा दिए जाते, तो प्रभु सुखा लहू वो बहता है। और बहता है इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि बपतिस्मा जहाँ हम लेते हैं वो बपतिस्मा का पानी भी बहता हुआ ही होना चाहिए। अगर कोई कुंड में लेता है या टंकी में लेता है तो वो पानी बपतिस्मा के लिए नहीं चलेगा। समझ लो कि अगर कोई टंकी में कोई बपतिस्मा लेता है या किसी कुंड में कोई बपतिस्मा लेता है तो बपतिस्मा से पापों की क्षमा मिल जाती है, मतलब पाप धुल जाते। वो पानी ने समझ लो कि इसके पाप धो दिए, अभी उसके बाद दूसरा अंदर जाएगा तो वो पानी क्या शुद्ध है, उसके अंदर तो पहले से किसी के पाप पड़े हुए, अभी दूसरा जाएगा तो शुद्ध होकर निकलेगा या और पापी होकर निकलेगा। प्रभु सुखा लहू बहता है तो पानी भी हमें बहता ही चाहिए। कई लोग इस बात का विरोध करते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है बहता ही पानी होना चाहिए। अरे बाइबल में सारी बातें नहीं लिखी, बाइबल में बातें हमें समझने के लिए दिए, वो पवित्र आत्मा से हम समझ सकते हैं। तो टंकी का पानी या कुंड का पानी बपतिस्मा के लिए नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये भी है, अगर बपतिस्मा गलत है तो चाहे बहता हुआ पानी हो तो भी आपको पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। लेकिन सच्चा बपतिस्मा क्या है, सच्चा बपतिस्मा किसको कहते हैं, सच्चा बपतिस्मा किस तरह से लिया जाता है, तो आपको जो स्क्रीन पर जो लिंक दिखाई देती है उसमें जाओ तो आपको सच्चा बपतिस्मा पता चलेगा कि किस तरह से लिया जाता है, कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, कौन ले सकता है, कब ले सकता है, किस तरह से लेना चाहिए, वो सारी बातें उसमें बताई गई है। तो आप इस वीडियो को देखो, परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।